ये टाइम मेरे लिए सबसे फेवरेट है मेरा, क्योंकि आज तो तीज है, कल है गणेश उत्सव। तो जब गणपति बापा अपने घर आते हैं, वो 10 दिन पूरा उनको बिठा के आरती की जाती है, प्रसाद, ये जो समय होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ इस फेस्टिवल के लिए। वैसे भी महाराष्ट्र में हमारे यहाँ ये फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया जाता है, तो हमारे घर में बचपन से ही मुझे आदत थी कि मतलब जब भी गणपति का उत्सव आता था तब कुछ डेकोरेशन करो। बचपन में मिट्टी से गणपति भी हम लोग बनाते थे, तो मिट्टी से याद आया कि कल हमारे अपार्टमेंट में भी छोटे बच्चों ने गणेश जी बनाए, तो वो वीडियो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी। और अभी मैं जाती हूँ, आज है तीज, हरितालिका तीज, तो मुझे उसकी भी पूजा करनी है। मैं एक्चुअली बचपन से, मतलब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी तब से मैं इस चीज़ की पूजा करती, तब से मैं देखी थी मेरी मम्मी को, तो उसकी स्टोरी सुनी थी, वो स्टोरी सुन के मैंने ये व्रत स्टार्ट किया था, तो इसलिए ये व्रत मैं बचपन से ही रखती हूँ, तो उसको कंटिन्यू करती हूँ अभी भी मैं। और मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड रहता है मेरा पति, यस, उसको पूरे साल में कोई भी फेस्टिवल में वो इतना एक्साइटेड नहीं रहता, किसी चीज़ में हेल्प नहीं करता है, बट गणपति के समय वो बहुत एक्साइटेड रहता है और सारी चीज़ों में मेरी हेल्प करता है। वो डेकोरेशन में भी वो पूरा 50% उसी का रहता है हेल्प, तो यस, मैं उसको मिस कर रही हूँ। एक्चुअली उसके ऑफिस के काम की वजह से उसको 1 महीने के लिए बाहर जाना पड़ा, तो अभी वो कोरिया में है, वो भी मिस कर रहा है, मैं भी उसको बहुत मिस कर रही हूँ। साथ में शादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई फेस्टिवल हम लोग अलग अलग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब वो तो सेलिब्रेट भी नहीं कर सकता बेचारा, तो मतलब अलग होके हम लोग सेलिब्रेट करना पड़ रहा है। बट वो दूर है, फिर भी वो वहाँ से पूरा कोऑपरेट कर रहा है, मतलब ये करो वो करो सारी चीज़ें वो मुझे बता रहा है, तो एक अच्छी बात है, लग रहा है कि हाँ मेरे साथ है। बट फिर भी कमी तो महसूस हो ही रही है, कोई बात नहीं, तो मैं अकेली सेलिब्रेट कर रही हूँ। और जो भी इस साल मैं पूरा डेकोरेशन की हूँ, जो भी मेरा सेलिब्रेशन रहेगा, वो हर साल की तरह इस बार भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं अकेली हूँ इसलिए मुझे आज गणपति भी लेके आना पड़ा, बाहर पूजा का सामान भी लेके आना पड़ा, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा पूजा में लेट हो गया है, तो और ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, अभी जाती हूँ मैं पूजा करती हूँ और आपके साथ भी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी है और मेहंदी भी लगाया है, और हाँ, मेहंदी से याद आया कि वो मुझे वट पूर्णिमा और हरितालिका के टाइम हमेशा वो मुझे एक हाथ में मेहंदी लगाता था, राइट हैंड में मैं नहीं लगा सकती, वो राइट हैंड में लगा के देता था, लेफ्ट हैंड में मैं खुद से लगा लेती थी। काफ़ी मिस कर रही हूँ, बट ठीक है, अभी जाती हूँ पहले पूजा कर लेते। और आपको शायद मेरा आवाज़ थोड़ा हड़बड़ी में या फिर थका हुआ सा लग सकता है, क्योंकि यार फास्ट है सुबह से, तो थोड़ी सी थकावट है, तो इसलिए मेरा आवाज़ ऐसे आ सकता है। चलिए तुरंत जाती हूँ और पूजा स्टार्ट करती हूँ। आज की जो पूजा है वो रेत से, हम लोग वालू बोलते हैं या फिर मिट्टी भी बोल सकते हैं, उससे शिव जी, पार्वती और उनकी एक सखी बनाते हैं और उसके बाद इसकी पूजा करते हैं। तो पहले मैं बना लेती हूँ।
दावत बसली होती. पार्वतीने शंकराला विचारलं, महाराज सर्व व्रतात चांगलं असं व्रत कोणते, श्रम थोडे आणि फळ पुष्कळ असं एखादं व्रत असलं तर मला सांगा, मी कोणत्या पुण्याईनं आपले पदरी पडलेले हेही मला सांगा. तेव्हा शंकर म्हणाले, जसा नक्षत्रात चंद्र श्रेष्ठ, ग्रहात सूर्यश्रेष्ठ, चार वर्णात ब्राह्मण श्रेष्ठ, देवात विष्णू श्रेष्ठ, नयात गंगा नद्यात गंगा श्रेष्ठ, त्याप्रमाणे हरितालिका हे व्रत सर्वात श्रेष्ठ आहे. ते तुला सांगतो, तेच तू पूर्वजन्मी हिमालय पर्वतावर केलंस आणि त्याचं पुण्यानं मी तू मला प्राप्त झाली. ते व्रत आहे, हे व्रत भाद्रपद महिन्यातील पहिल्या तृतीयेला करावा. ते पूर्वी तू कसं केलंस ते मी तुला आता सांगतो. पुत्रवती भाव, पुत्रवती भाव, हाँ, सौ पुत्रों की माता भाव. मेरे को पता है यार इसका. ओहो भगवान, पुतो दूधो नहाओ पुतो पलो. तुझे तो आशीर्वाद भी देने भूल गई थी यार, तेरे जितनी एज ना हुई ना इसीलिए. लग गई दूधो नहाओ अखंड सौभाग्यवती भाव, दूधो नहाओ पूतो फलो, सौ पुत्रों की माँ हो जाओ. सौ पुत्र नहीं चाहिए. मैंने जैसे कि आपको बताया था कि नीचे सोसाइटी में छोटे बच्चे मिट्टी से गणपति बना रहे थे, इनको देख के मुझे भी अपना बचपन याद आ गया. कितना क्यूट गणपति बनाया है इसने. सब लोग बहुत मेहनत कर रहे बच्चे, और जिनको नहीं बनाने आ रहा उनको बड़े लोग हेल्प कर रहे, तो मैं यहाँ पे 3-4 बच्चों को हेल्प कर रही थी. आज मैंने पूजा के बर्तन भी सारे, जितने भी पूजा के लिए यूज़ होने वाले बर्तन हैं, मैं सब आज पीतांबरी से अच्छे से साफ़ करके रख दिया है ताकि कल मुझे आसानी हो जाए. और इस साल जो मैं डेकोरेशन करने वाली हूँ वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ. गणपति बाप्पा मोर्या मंगल मूर्ति. गणपति आला, गणपति आला, गणपति बाप्पा मोर्या मंगल मूर्ति मोर्या. जब हमारे घर के गणपति आए उसी समय नीचे सोसाइटी के भी गणपति आ चुके थे, तो मैं जा नहीं पाई तो ऊपर से मैंने देख लिया. गुड मॉर्निंग,
तो आज है गणेश चतुर्थी और अभी मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और कल ही मैंने दिखाया कि आगे जो पूजा के बर्तन है वो सब मैंने धो के रख दिए थे। पैरलरी में खाना भी बना रही हूँ, उधर कुकर सब लगा दिया है। और यहाँ पे अभी मैं बनाने जा रही हूँ तोरण। सबसे पहले तोरण लगाऊंगी, उसके बाद सारी चीज़ें तैयार करूँगी। तो कल का जो हरतालिके का पूजा की थी उसका भी मैंने विसर्जन कर दिया है। सुबह तो मुझे एक्चुअली बहुत काम रहता था तो मैं भूल गई वो सब रिकॉर्ड करना, बट उसका विसर्जन मैंने कर दिया है। और अभी गणपति की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। अभी मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी तो मैं चीज़ें तो अभी मैं पूजा की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी मैं बनाने आई हूँ खाना, और खाना मैं सोच रही हूँ जो खाना खाने का है वो बाद में बनाऊंगी, आधा प्रिपरेशन मैं करके रख रही हूँ। और अभी सबसे पहले मैं बनाऊंगी मोदक, उकड़ी से मोदक। और उसके लिए मैंने ये यहाँ पे कोकोनट ग्रेट करके रख लिया है, जागरी डालूंगी। और उकड़ी से मोदक जो है वो मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। इसके पहले जो मैं मोदक बनाती थी वो मैं फ्राई करके हम लोग बनाते थे, बट मैंने सोचा कि इस बार उकड़ी के मोदक ट्राई करके देखती हूँ। पता नहीं अभी कैसे बनेगा, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है अच्छा बनेगा कि नहीं जैसे बनना चाहिए, फिर भी मैं इस बार ट्राई करूँगी। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ और मोदक का तैयारी कर लेती हूँ। सुगंध क्या मस्त आ रहा है खुशबू। एक्चुअली मैं इसे मोदक बना रही हूँ क्योंकि अभी मैं हाथ से शेप बनाने जाऊँगी ना, बहुत टाइम जाएगा मेरा, तो इसलिए मैं सोचा इसी से बना लेती हूँ। तो इस टाइप के कितना अच्छा शेप आया है इसका।
हमारे गणपति बप्पा आ चुके हैं हमारे यहाँ और अभी पूजा भी हो गई है। घर में मैं अकेली हूँ, कुणाल भी नहीं है, मेरे पति नहीं है, तो इसलिए मेरी फ्रेंड लोगों को बुला ली थी ताकि कुछ लोग तो रहे आरती के समय और थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए मैंने मेरे फ्रेंड लोगों को बुलाया था। साथ में हम लोगों ने आरती की और उन लोग को भी प्रसाद दिया, वो लोग भी कुछ लाए थे प्रसाद, तो वो सब हो गया। अभी अभी थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है तो अभी मैं थोड़ा सा खाना खा लूँगी, कल से फास्ट है तो अभी थोड़ा सा मैं फास्ट खोल दूँगी कुछ खा के, जो भी प्रसाद का बनाए वही खाऊंगी। तो ये है हमारे बापा और मैंने आज उकड़ी चमोदक में बताई थी ना, फर्स्ट टाइम बनाई, मेरी फ्रेंड लोगों ने कहा बहुत अच्छा बना है, मैंने भी कहा मुझे भी अच्छा लगा, तो नेक्स्ट टाइम से मैं यही बनाऊंगी। फिर आपको एक बात बताना मैं भूल गई, इस बार जो सोसाइटी में गणपति है, हमारे सोसाइटी में 3 दिन का ही गणपति बैठता है, तो आज 7, 8, 9 को विसर्जन है, तो मैं सोची क्यों ना लेजिम, हमारे महाराष्ट्र में जैसे लेजिम के साथ विसर्जन के टाइम पूरा लेके जाते उस टाइप का कुछ किया। एक्चुअली मेरे फ्रेंड लोगों ने मुझे आइडिया दिया कि ऐसा कुछ कर सकते क्या, मैं बोली हाँ क्यों नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने ग्रुप बना के लेजिम भी ऑर्डर कर दिए। हम उस दिन क्या पहनने वाले वो भी आपको उस दिन ही बताऊंगी मैं, अभी आपको उसके लिए वो वीडियो देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस वीडियो को अभी यहीं पर एंड करती हूँ और जो सोसाइटी का फेस्टिवल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसमें मेरा डांस भी है, इस बार भी मैं ग्रुप डांस परफॉर्म करने वाली हूँ, तो मेरा इस बार डांस भी है और फिर विसर्जन के टाइम हम लेजिन के साथ डांस करते करते पापा का विसर्जन करने वाले सोसाइटी के पापा का। मेरे पापा तो 10 दिन यहाँ पे रहेंगे, आगे वाला ब्लॉग भी बहुत बढ़िया होने वाला है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो पापा के साथ यहीं पे मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, मेरा सेलिब्रेशन कैसा लगा, मेरा डेकोरेशन कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर से एक बार गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।